सो हेलो वीक में से फिर से सभी का बहुत बहुत वेलकम आज की इस नई वीडियो में। सो बेसिकली सुबह से मुझे गाइस काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई प्रीमियम क्रेडिट को हटा दिया गया है एंड इसको क्यों हटाया गया है, कब तक प्रीमियम क्रेडिट वापस से आएगी। मतलब हमने काफ़ी सारे कूपन कलेक्ट करके रखे थे कि प्रीमियम क्रेडिट को ओपन करने के लिए। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रीमियम क्रेडिट को क्यों हटाया गया है, कब तक आप लोगों को वापस से देखने के लिए मिलेगी, और उसी के साथ साथ प्रीमियम क्रेडिट के आप लोगों को लीक्स भी दिखाऊंगा जिससे कि आप लोग मतलब आप लोग एक आइडिया लगा पाओगे कि आप लोग उस प्रीमियम क्रेडिट के लिए वेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कस्टम क्रेडिट के बारे में। तो आप लोग देख पा रहे हो इधर कस्टम क्रेडिट को ऐड कर दिया गया है एंड कस्टम क्रेडिट वही है गाइस जिसमें आप लोग क्या कर सकते हो, जो भी आप लोगों के पास में आइटम है आप लोग उसको कस्टमाइज करके, मतलब कस्टम क्रेडिट का मतलब यही है कि आप लोगों के पास में कोई भी आइटम है तो ऐसे में आप लोग उसको बैन कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप लोग अगर इस क्रेडिट को ओपन करो तो ऐसे में आप लोगों का वो आइटम नहीं निकल पाए। तो गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रीमियम क्रेडिट के बारे में कि प्रीमियम क्रेडिट को क्यों हटाया गया है। एंड देखो ये चीज़ पहली बार नहीं हुई कि प्रीमियम क्रेडिट को हटाया गया है, पहले भी काफ़ी टाइम बार ऐसा हुआ है कि जब भी कस्टम क्रेडिट आती है तो प्रीमियम क्रेडिट को हटा दिया जाता है। मतलब वैसे एक बार क्या हुआ था कि जैसे कि हमारी कल न्यू प्रीमियम क्रेडिट आने वाली थी लेकिन उसकी जगह पर कस्टम क्रेडिट को ऐड कर दिया था, और जब तक कस्टम क्रेडिट चली थी उसके बाद में जाकर के प्रीमियम क्रेडिट आई थी। और एक केस में ऐसा हुआ था कि जैसे कि कल हमारी न्यू प्रीमियम क्रेडिट आने वाली है लेकिन उसकी जगह पर कस्टम क्रेडिट को ऐड कर दिया था और उसी के अगले दिन आप लोगों को प्रीमियम क्रेडिट देखने के लिए मिल गई थी। तो हम लोग इन्हीं चीज़ों से अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे कि आज हमारी न्यू प्रीमियम क्रेडिट आनी थी लेकिन वो नहीं आई, अब हो सकता है कि इस कल के दिन आप लोगों को प्रीमियम क्रेडिट देखने के लिए मिल जाए। अगर कल के दिन आप लोगों को नहीं मिलती है तो आप लोग इधर देख पा रहे हो उधर 22 दिन तक का टाइम है, मतलब 22 दिन तक ये कस्टम क्रेडिट रहने वाली है। तो इस मतलब अगर कल के दिन प्रीमियम क्रेडिट आ गई तो आ गई, वरना आप लोगों को वेट करना होगा 22 दिन तक का। एंड अगर देखो एक अंदाजा लगाया जाए, आज है 1 तारीख और 22 दिन बाद ये क्रेडिट जो है वो खत्म हो रही है, यानी कि कस्टम क्रेडिट हमारी 22 दिन बाद खत्म हो रही है, और 23 तारीख से हम लोगों का हेलोविन मोड आप लोगों को पता आने वाला है जो कि आप लोगों को इन्फेक्शन मोड के अंदर देखने के लिए मिलेगा, हेलोविन मोड की थीम और चेयर पार्क में भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग इस चीज़ से एक अंदाजा लगा सकते हो कि ये क्रेडिट जो चलने वाली है वो 22 दिन यानी कि 22 अक्टूबर तक, और 23 तारीख को हम लोग का हेलोविन मोड जो है वो पबजी मोबाइल के अंदर आ जाएगा। और जो हम लोग की प्रीमियम क्रेडिट है वो भी आप लोग की जो है हेलोविन मोड के ऊपर ही बेस रहने वाली है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि 23 अक्टूबर को ही ये सारी चीज़ें ऐड करी जाएंगी। अब आप लोग क्या लगता है आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड गाइस अब आगे आप लोग देखने वाले हो प्रीमियम क्रेडिट की लीक्स, और ये सारी की सारी लीक्स हमको दिए मैट तमीज़ा ने, उनके चैनल का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर के जरूर से सपोर्ट दिखाना। एंड आप लोग लीक्स देख लो अच्छे से, फिर आप लोग डिसाइड करना कि आप लोग को इस क्रेडिट के लिए वेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, एंड वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना, लीक्स वगैरह देख करके जाना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग इस क्रेडिट के लिए वेट करोगे या फिर नहीं करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। आप लोग लास्ट तक वीडियो को देख करके जाना, ठीक है।